इसी मैदान से बिगुल बजना चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान साकार। हकीकत में बदल रहा नरेंद्र मोदी का नारा, कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रहा देश। अपने ही अभेद किले में कांग्रेस का सफाया। नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया नारा कांग्रेस मुक्त भारत अब एक हकीकत बनता जा रहा है। पहले लोकसभा में करारी हार, फिर कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में पराजय का मुंह देखने वाली कांग्रेस का हार का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनावों के नतीजे से ये तस्वीर और भी साफ होती जा रही है कि जनता नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त नारे को साकार करने की ठान चुकी है। उत्तर प्रदेश के जिला और क्षेत्र पंचायत चुनाव में कांग्रेस के दिग्गजों के गढ़ में पार्टी का सफाया हो गया है। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस का सफाया हो गया है। सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के साथ ही भाजपा को भी काफी झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने खाता खोल लिया है। लोकसभा चुनाव में किसी तरह रायबरेली और अमेठी सीट बचाने वाली कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में सब गवा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के रायबरेली में पंचायती समर में दिग्गज कांग्रेसी भी ढेर हो गए। कांग्रेस की जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन सिंह तक अपना किला फतह नहीं कर सकी। कांग्रेस के 22 प्रत्याशियों में 21 प्रत्याशियों को करारी शिकस्त मिली है। रायबरेली में कांग्रेस साफ हो गई। अब कांग्रेस का पंचायती वर्चस्व खतरे में है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के अमेठी में तो हाल बद से बदतर हैं। जिला पंचायत सदस्य की 8 सीटों पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। 5 सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जबकि बाकी के 3 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी के समर्थित जीते। अमेठी कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ रहा है और अमेठी को गांधी परिवार का अभेद किला माना जाता है। जिला पंचायत के परिणाम अब कई कहानी बयान कर रहे हैं कि अब ये किला अभेद्य नहीं रहा। वहीं सपा सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री तोताराम यादव को जिला पंचायत सदस्य के पद के चुनाव में करारी हार मिली है। मैनपुरी के जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे तोताराम यादव बूथ कैप्चरिंग के बाद भी अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। तोताराम 23 प्रत्याशियों में 20वें नंबर पर रहे। हालांकि 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारियों में जुटी बीजेपी के लिए भी पंचायत चुनाव कुछ बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रही। बीजेपी समर्थित ज्यादातर उम्मीदवारों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। जिला पंचायत चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों ने शानदार जीत दर्ज की है। इसके साथ सपा व बसपा के प्रत्याशी हावी रहे हैं। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब फॉलो एंड लाइक।